हमारे साथ इसी क्रम में भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस कनक यादव हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर के देश की जनता से अपील की है कि हमारा देश दुनिया में सर्वोपरि है, क्यों ना हम अपने देश के नागरिक जो दुनिया को संदेश देते आए हैं, आज हमको संदेश की आवश्यकता पड़ रही है, तो आइए हम साथ में मिलकर इस सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को तो बचाएं, इस देश को भी बचाएं, ताकि हम दुनिया में एक बेहतर संदेश दे सके, एक मिशन कायम कर सके। कनक यादव भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, आइए उनसे सुनते हैं उनके माध्यम से क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार भी बहुत कड़े नियम लागू कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है 21 दिनों का, इसे हमें पालन करना है। आप देख रहे हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना वायरस से हमें बचाने के लिए। हमें इनका साथ देना है, सरकार का साथ देना है। ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, पार्टीज नहीं करनी है, क्योंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा है, तुरंत नहीं पता चलेगा कि किसको वायरस है नहीं है। जब तक पता चलता है तब तक ये कई लोगों को बीमार कर चुका होता है। दोस्तों, इससे बचाव के लिए कुछ आसान चीजें हैं जो आपको सरकार भी बता रही है, डॉक्टर भी बता रही है और पूरी मीडिया बता रही है, उसका पालन करना है। क्योंकि जब आप पालन करेंगे तो आप खुद तो अपने आप को बचाएंगे ही, अपने परिवार को भी बचाएंगे और इस देश को भी बनाने में आप सहयोग देंगे, इसको बचाने में सहयोग देंगे। जैसे कि जिससे भी बात करें, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। आप जब भी खांसते हैं, छींकते हैं, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं तो हाथ लगा के, कोहनी लगा के, अगर आपके पास है रुमाल है तो रुमाल को आप बांध के रखिए, मास्क है मास्क पहनिए। अगर मास्क नहीं है, जैसे कि आप मीडिया में सुन रहे होंगे कि मास्क नहीं मिल रहे हैं, तो आप घर पे भी मास्क बना सकते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। आप बीमार नहीं है, पर यह मत सोचिए कि आप बीमार नहीं हो सकते, हो सकते हैं, इसीलिए हमें बचना है। और जब आप बाहर हैं तो अपने हाथों को अपने कान में, आंख में, माउथ में, नोज में नहीं छुआना है, इसको टच नहीं करना है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, ये वायरस पक जाता है, फैलता है। जैसे खास आपको जुखाम होता है तो पूरे परिवार में कैसे जुखाम हो जाता है, सेम इसी तरीके से ये फैलता है। विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी संतरे में से लेकर, नींबू से लेकर बहुत सारी चीजों में होती है, आप जानते हैं उस चीजों को। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है। आपको फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और आप फ्रूट्स खाइए। और जो आप पैनिक कर रहे हैं कि चीजें आपको नहीं मिलेगी, सरकार ने भी बोला है, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, राशन की दुकान बंद नहीं होगी इन 21 दिनों तक, वो आपके लिए खुली है। डेयरी की जो दुकानें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सब्जियां भी मिलेंगी आपको, तो फिर पैनिक किस बात का। दोस्तों, ये 21 दिन बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि हम अपने परिवार से दूर हो गए थे, हम अपने काम में बिजी रहते थे, सोशल नेटवर्किंग में बिजी रहते थे, हम अपना जो वक्त अपने परिवार को नहीं दे पा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है घर पे रहने का, कि आप अपना वक्त जो है अपने परिवार को दीजिए, उनको समझने में, उनको प्यार करने में और खुद को बचाने में, देश को बचाने में। ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए। जब भी आप बाहर से आते हैं, आप अपने हाथों को साबुन से धुलें 20 सेकंड तक, या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपने परिवार को भी बताएं, समाज को भी बताएं। दूर रहें और ज्यादा ज्यादा कोशिश करें बाहर ना निकलें। अपना ख्याल रखिए, देश को बचाइए, खुद को बचाइए। जय हिंद। ये तमाम सितारे हैं जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं और हमारे शिक्षक हैं, और देश का हर वो नागरिक आज लोगों को जागरूक करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, सेवा की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। एक ऐसी घड़ी है जहां हमें निरंतर एक दूसरे का साथ देने की और खुद को सुरक्षित रखने की बेहद जरूरत है।